जब आप अनुभव का विश्लेषण करते हैं, पूछते हैं उस बारे में, किसी को बताते हैं, उस विश्लेषण की प्रक्रिया में वो जो मन के अतीत अनुभव था वह छूट जाता है। जब अनुभव हुआ था तो वहां मन नहीं था, वहां विचार नहीं थे। बाद में जब हम मन के तल पर आए, विचार करने लगे उस अनुभव के बारे में, दूसरों को बताने लगे या उसके संबंध में संदेह उत्पन्न हो गया कि ये वास्तविक था कि नहीं था, वह खो जाएगा, क्योंकि वह निर्विचार की अवस्था में घटता है। जब हम विचार करेंगे तो निश्चित रूप से वह नहीं बचेगा। इस बात को खूब अच्छे से समझिएगा। जब मन बिल्कुल चुप हो जाता है, शांत, कोई विचार नहीं, तब हमें ध्यान का अनुभव होता है। अगर हम उसके बारे में भी विचार करने लगे तो वह खो जाएगा, क्योंकि वह निर्विचार होने का अनुभव है। वो बताने में हम विचार में लग जाते हैं। इसके साथ साथ मन को हमेशा शक होता है, जब भी कोई अच्छी चीज होती है मन यह मानने को तैयार नहीं होता कि यह हो सकता है। खराब चीजों पर उसको पूरी श्रद्धा है। हम लोग कहते हैं हमें भगवान पर श्रद्धा है, ये बात ठीक नहीं है। हमें शैतान पर श्रद्धा है, अर्थात अशुभ पर, असुंदर पर, कुरूप पर, असत्य पर हमें भरोसा है। सत्यम शिवम सुंदरम पे हमें भरोसा नहीं। हमें खुद ही घटित हो रहा है, फिर भी हम शक की दृष्टि से देखते हैं। एक व्यक्ति आके आपको एक चांटा मारे हो, गाली दे, आपको कभी शक पैदा नहीं होता कि ये झूठा है, अभिनय कर रहा है, सच नहीं हो सकता। क्रोध, क्रोध को तो हम बिल्कुल सच मानते हैं। कोई आदमी आके प्रेम से बात करे और गले लगाए, तब हमें शक होता कि जरूर कोई काम होगा, चालाकी कर रहा है, फुसला रहा है, खुशामत कर रहा है। प्रेम पे हमें भरोसा नहीं है, घृणा पे हमें भरोसा है। इसको मैं कहता हूं हमें भगवान पे भरोसा नहीं है, हमें शैतान पे भरोसा है। ठीक यही घटना जब हमारे भीतर घटित होती है, जब कुछ अच्छा शांतिदायी प्रेमपूर्ण अनुभव होता है, हमारा मन शक करता है कि ये कैसे हो सकता है, हमको और शांति मिल गई, हम अपने आप को इस लायक मानते ही नहीं, जरूर कुछ भ्रांति हो गई। शांति नहीं होगी, भ्रांति होगी, हम किसी इल्यूजन में, भ्रम में पड़ गए। जब हम संदेह करते हैं तो फिर वह बात खो जाती है। संदेह को ऐसा समझना किसी वृक्ष की जड़ों को उखाड़ना, वो वृक्ष मर जाएगा। और श्रद्धा करना ऐसे है जैसे किसी वृक्ष को खाद पानी देना, वो वृक्ष मजबूत हो जाएगा, बढ़ेगा, पुष्पित पल्लवित होगा। तो आज से इस बात को तय कर लें, जब भी भीतर कुछ अच्छा अनुभव होगा उस पर श्रद्धा का जल छिड़केंगे। मुल्ला नसुद्दीन का एक किस्सा याद आ गया। रोज डॉक्टर के पास पहुंच जाता था, सुबह भी, शाम को भी, कई बार तो दिन में तीन तीन बार, और न जाने कहां कहां की बीमारियां मनगढ़ंत सुनाता, ये तकलीफ हो रही है, वो तकलीफ हो रही है, क्या इन्वेस्टिगेशन करना है। डॉक्टर भी थक गया था, यानी पोस्टमार्टम छोड़ के बाकी के सब इन्वेस्टिगेशन हो चुके थे। एक दिन डॉक्टर ने कहा कि नसरुद्दीन ऐसा करो, तुम कहीं हिल स्टेशन पे चले जाओ, गर्मी बहुत है, थोड़ा ठंडक रहेगी, तुमको अच्छा लगेगा। नसरुद्दीन का ठीक, तुरंत उसने टिकट कटाई, पहुंच गया शिमला। अगले दिन वहां से फोन आया कि डॉक्टर साहब बहुत अच्छा लग रहा है, अब बताइए कौन से इन्वेस्टिगेशन कराना है। देखिए, स्वास्थ्य का कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होता, स्वास्थ्य का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, स्वस्थ होना हमारी सहज दशा है, अच्छा लगना ही चाहिए। हाँ, खराब लगे तो पता लगाना क्यों, लो गड़बड़ है तो क्यों, उसकी जांच पड़ताल की जाए, क्योंकि उसको दूर करना है, उसको मिटाना है, कोई बीमारी आ गई। लेकिन हमारी खोपड़ी उल्टी है, जब हमें अच्छा लगता है हम उसमें भी सवाल पैदा करते हैं कि क्यों। इस चीज को पलटिए, कम से कम अपने भीतर के अनुभवों पर जब भी कुछ शांतिदायी, प्रीतिदायी, मुक्तिदायी लगे उस पे श्रद्धा करना, ताकि वह और बढ़े।
और जब इसका उल्टा हो, दुख हो, तकलीफ हो, चिंता हो, भय हो, तब पता लगाना कि इसका कारण क्या है, ताकि हम उसका निवारण कर सकें।